14 फरवरी 2019। अब जब भी इस तारीख का जिक्र होगा तब तब देशवासियों को पुलवामा का आतंकी हमला याद आएगा। जब जब इस तारीख का जिक्र होगा सीआरपीएफ जवानों की शहादत याद आएगी, और जब जब इस तारीख का जिक्र होगा उन जवानों के परिवार का रोता हुआ चेहरा याद आएगा। ऐसा हो भी क्यों ना, इस तारीख को आतंकियों ने हमारे सीने पर ऐसा जख्म दिया है जिसका घाव भरना अब नामुमकिन है। 40 जवानों की शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। सब पाकिस्तान से बदला लेने की बात करने लग गए, अपने अपने तरीके से पाकिस्तान का विरोध करने लग गए। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। देश में कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने या तो इस आतंकी हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश की या फिर इसका समर्थन किया। सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम पोस्ट दिखी जो कुछ आतंकियों का समर्थन करते दिखे। इसमें काफी लोगों की भावनाएं आहत हुई और ऐसा होना भी लाजमी था। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ये सारा पोस्ट दिखाते हैं जो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे पोस्ट जिसमें साफ तौर पर शहीदों की अपमान हो रही है। ऐसे पोस्ट पर कार्रवाई भी हुई, पुलिस ने मामला दर्ज किया तो कई नौकरीशुदा लोगों की नौकरी भी गई। अब इस लिस्ट पर सिलसिलेवार तरीके से नजर मारते हैं। गोपालगंज के मजहर हाशमी का पोस्ट देखिए, जवानों के लिए ऐसी बातें लिखी है जिसे बोलना बहुत मुश्किल है। बहरहाल इस पोस्ट के बाद उनकी शिकायत हुई, फिर पुलिस ने मजहर को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कश्मीरी छात्राओं ने भी जश्न मनाया। उन्होंने बकायदा इंस्टाग्राम पर स्टेटस डाला जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने तीनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब राजस्थान की एक पोस्ट का जिक्र कर लेते हैं। वहाँ का एक जिला है प्रतापगढ़, वैसे तो आप कहेंगे यूपी का है लेकिन नहीं, ये राजस्थान का है। वहाँ के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने न सिर्फ शहीदों के लिए गलत बातें की बल्कि स्कूल में उन्होंने शोक सभा भी नहीं होने दिया। ये बहुत तकलीफ देने वाली बात है, किसी स्कूल का प्रिंसिपल भी ऐसा कर सकता है। खैर इकराम अजमेरी को सस्पेंड कर दिया गया, फिर उसे पुलिस ने बाद में हिरासत में भी ले लिया। असम के आइकॉन कॉमर्स कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर है प्रापी बनर्जी, उन्होंने अपनी पोस्ट में आतंकवादी हमले की निंदा तो की लेकिन जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर अत्याचार के लिए भारतीय सेना को ही दोषी ठहरा दिया। इस पोस्ट के बाद लोगों ने खूब विरोध किया, फिर उन पर कार्रवाई भी हुई, उन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। वैभव शमशेर राणा, इसने न सिर्फ इस हमले के बाद जश्न मनाई बल्कि फेसबुक पर कई आपत्तिजनक कमेंट भी किए जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने शमशेर को न सिर्फ सस्पेंड किया बल्कि FIR भी दर्ज करा दी। यूपी के मऊ का रहने वाला है मोहम्मद ओसामा, इसने भी शहीदों का अपमान किया। इसने लिखा कि पाकिस्तान जो किया वो सही किया। अब सोचिए कितना खून खौलाने वाली बात है ये। इस पोस्ट के बाद मामला दर्ज हुआ, मोहम्मद ओसामा को गिरफ्तार कर दिया गया। देहरादून के सुभारती यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले राशिद ने भी सैनिकों की शहादत का जश्न मनाया, बकायदा फेसबुक पर स्टेटस डाला। शिकायत के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया, हालांकि बाद में उसने माफी भी मांगी। श्रीनगर में रहने वाले रियाज अहमद वानी ने फेसबुक पर आतंकियों के फेवर में पोस्ट किए। वो कई बार ऐसे पोस्ट लगातार किया करता था। पुलवामा हमले के बाद उसने जो पोस्ट किया उसका लोगों ने विरोध किया जिसके बाद कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बेंगलुरु में नौकरी करने वाला कश्मीरी आबिद मलिक ने भी फिदायिनों के पक्ष में पोस्ट किया जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने इसके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। उसके बाद NDTV में काम करने वाले पत्रकार निधि सेठी हो या फिर AMU का स्टूडेंट वसीम हिलाल हो, दोनों ने शहादत का अपमान करने का काम किया था जिसके बाद NDTV ने निधि सेठी को सस्पेंड कर दिया, फिर माफी भी मांगी। दूसरी तरफ वसीम हिलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये लिस्ट बहुत लंबी है, कई लोगों के नाम सामने आए और कई लोगों के नाम सामने आने बाकी है। आपकी नजर में भी कोई ऐसा दिखे जो देश के सैनिकों की शहादत का अपमान करता हुआ दिखे तो उसके खिलाफ शिकायत जरूर दर्ज कराएं।